हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एथनिक फैशन ट्रेंड्स फॉर 2021। सो इफ़ यू लव वेयरिंग एथनिक वेयर, आप इन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। सो नंबर वन इज़ शियर फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो शियर फैब्रिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा थे, अभी भी हैं। थोड़े से शियर फैब्रिक्स जो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्गेंजा फैब्रिक, नेट फैब्रिक, शिफॉन्स, जॉर्जेट्स, इस तरह के जो फैब्रिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इन्हीं में आपको आजकल लहंगे, साड़ीज़, सूट्स वगैरह मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप अपने लिए इन फैब्रिक्स को चूज़ कर सकते हैं। कैजुअल वेयर भी, पार्टी वेयर भी, कमिंग वेडिंग सीजन के लिए भी, समर वेडिंग्स के लिए भी आप इनको चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ऑर्गेन्जा फैब्रिक तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप अगर साड़ीज़ वगैरह पहनने की सोच रहे हैं किसी वेडिंग फंक्शन के लिए, या फिर लहंगा पहनने की सोच रहे हैं, तो आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक में अपने लिए साड़ी या फिर लहंगा पिक कर सकते हैं। इवन सॉफ्ट नेट फैब्रिक में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लहंगे मिल जाएंगे, तो वो कंफर्टेबल भी रहेंगे समर वेडिंग्स के लिए। ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी इन तरह के फैब्रिक्स में, एंड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी रहते हैं तो कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह के लहंगे आप चूज़ कर सकते हैं। शिफॉन्स एंड जॉर्जेट्स में भी आप अपने लिए सूट्स या फिर साड़ी या फिर लहंगे चूज़ कर सकते हैं। कैजुअल वेयर के लिए भी आप इन फैब्रिक्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक। इसमें आप कोई सिंपल साड़ी ले सकते हैं अपने ऑफिस के लिए, या फिर नॉर्मल कैजुअल वेयर के लिए सिंपल सूट्स वगैरह आप अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, शिफॉन्स में, जॉर्जेट्स में। ऑल्सो अगर आप सूट्स वगैरह या फिर प्रॉपर साड़ी वगैरह नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेन्जा दुपट्टा अपने ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। सिंपल सूट के साथ भी आप सिर्फ ऑर्गेन्जा फैब्रिक को स्टाइल कर लो, तो पूरा एक जो आपका ओवरऑल आउटफिट है वो काफ़ी ट्रेंडी लुक दे देगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई पुराना सूट है एंड उसको आपको आप कोई नया लुक देकर पहनना है, तो आप उसके मैचिंग का कोई ऑर्गेन्जा दुपट्टा ले लीजिए, उसके साथ पैक करके फिर एक नया ट्रेंडी आउटफिट क्रिएट कर लीजिए। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप अपने पुराने पीसेस को ही ना यूज़ करें, थोड़ा सा ट्रेंडी बनाने की कोशिश करें, कुछ कुछ नया ले लें एंड कुछ कुछ पुराना यूज़ करके एक नया आउटफिट क्रिएट करें। क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी भी ना ब्लाइंडली ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना पुराना यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत नया ले लो, एंड इस तरह से मिक्स एंड मैच करके एक नया ट्रेंडी आउटफिट आप हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। सो या, फर्स्ट इज़ शियर फैब्रिक जो आप 2021 में जमकर पहन सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ फ्लोरल प्रिंट्स। फ्लोरल प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं 2021 में भी, लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थे, एंड मुझे तो हमेशा से ही बहुत पसंद हैं, आगे भी हमेशा ट्रेंडी रहते हैं। एक्चुअली एवरग्रीन होते हैं ऐसे प्रिंट्स, इनको आप बहुत ही इजीली मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो फ्लोरल प्रिंट्स में तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, बट बाद में भी आप इनको काफ़ी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, पिंक्स, इस तरह के जो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इनको मिक्स एंड मैच करना। तो आप दूसरे पीसेस के साथ इनको बहुत इजीली मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं बाद में भी। अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मिल जाएगा फ्लोरल प्रिंट्स में। फ्लोरल प्रिंट्स की साड़ीज़, सूट्स, लहंगे वगैरह आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन वगैरह पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग वेडिंग फंक्शन के लिए आप कुछ फ्लोरल प्रिंट अपने लिए ले सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ हैवी नहीं भी खरीदना चाहते हैं, साड़ी या फिर लहंगा नहीं भी खरीदना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा ज़रूर लीजिए जिसमें ऐसा फ्लोरल प्रिंट हो, क्योंकि आप उसको ना बार बार रिपीट करके पहन सकते हैं। तो एक कोई ऐसा पीस तो आप ज़रूर अपने वार्डरोब में ऐड कीजिए। आप दुपट्टा ले सकते हैं, फ्लोरल प्रिंट का दुपट्टा किसी भी प्लेन कुर्ती के साथ बहुत अच्छा लगेगा, प्लेन सूट के साथ आप उसको पहन लो, बहुत अच्छा लगेगा, एंड आप उसको बार बार रिपीट करके पहन पाएंगे, तो वो बाद में भी आपका यूज़ हो जाएगा। आप कोई बॉटम वेयर ले सकते हैं, प्लाजो या फिर स्कर्ट, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट का बॉटम अगर आपके पास होगा, स्कर्ट अगर आपके पास होगी, तो आप उसके साथ कोई भी प्लेन कलर की कुर्ती या फिर क्रॉप टॉप उसके साथ पेयर कर सकते हैं। बहुत सारे क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, तो कुछ ना कुछ आप उसके साथ ज़रूर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स आपको ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे उसके साथ पेयर अप करने के लिए। तो आप कोई बॉटम वेयर ले सकते हैं, शरारा पैंट्स ले सकते हैं, प्लाजोज ले सकते हैं, स्कर्ट्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने लिए ब्लाउज़ ले सकते हैं। इफ़ यू आर अ साड़ी लवर लाइक मी, तो आप एक ब्लाउज़ में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास फ्लोरल प्रिंट में दो तीन ब्लाउजेज हैं जिनको मैं जमकर पहनती हूँ अपनी साड़ीज़ के साथ, एंड उसके साथ ना बहुत सारी साड़ीज़ मेरी पैर हो जाती हैं। जैसे मेरे पास ये एक ब्लाउज़ है, इसमें फ्लोरल प्रिंट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स हैं, तो इसके साथ ना मेरी काफ़ी सारी साड़ीज़ पैर हो जाती हैं, ऑरेंज कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, तो मैं काफ़ी सारी साड़ीज़ इसके साथ पैर अप कर लेती हूँ। तो ये ब्लाउज़ मेरा बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, अभी भी पहनती हूँ, आगे भी यूज़ होता रहेगा। जितनी भी मेरी प्लेन साड़ीज़ हैं सबके साथ ये मैच होने वाला है, तो आप इस तरह के ब्लाउजेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यस, फ्लोरल प्रिंट्स को आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने वार्डरोब में। मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी आपसे, जैसे मैंने मस्ट हैव प्रिंट्स के बारे में बात की थी, तो मैंने उसमें फ्लोरल प्रिंट्स के बारे में बात की थी।
तो एक ऐसा पीस तो आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने वार्डरोब में, क्योंकि आप उसको बहुत सारे तरीकों से यूज़ कर पाएंगे। एंड अभी तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको मार्केट में, ऑनलाइन सब जगह मिल जाएगा फ्लोरल प्रिंट्स में। सो नेक्स्ट इज पफ स्लीव्स। पफ स्लीव्स वेस्टर्न वेयर में ही नहीं, अब एथनिक वेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी होती जा रही है 2021 में स्पेशली। लास्ट ईयर तक तो वेस्टर्न क्रॉप टॉप्स एंड टॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहे थे पफ स्लीव्स में, बट दिस टाइम एथनिक वेयर में भी पफ स्लीव्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। स्पेशली साड़ी ब्लाउजेज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, आप इनको अपने लिए ले सकते हैं साड़ी के साथ पेयर करने के लिए, या फिर स्कर्ट के साथ पेयर करने के लिए पफ स्लीव्स में ब्लाउजेज या फिर क्रॉप टॉप अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं, या फिर रेडीमेड ले सकते हैं। आप लहंगे के ब्लाउजेज भी स्टिच करवा सकते हैं अगर आपको लहंगा पहनना है कमिंग वेडिंग सीजन के लिए, तो कुछ थोड़ा सा ट्रेंडी लुक अगर आपको चाहिए तो लहंगे के ब्लाउज को आप थोड़ा सा पफ स्लीव्स में स्टिच करवा सकते हैं अपने लिए। तो इस तरह की स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। मेरे पास भी एक ये ब्लाउज है, मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है। लास्ट ईयर मेरे पास एक ये क्रॉप टॉप था जिसको मैंने परचेज किया था शी इन से, एंड मैंने इसको स्टाइल किया था अपनी साड़ी के साथ। ये मैंने शी इन से लिया था, बट लास्ट ईयर वेस्टर्न वेयर में ही ऐसे पीसेस देखने को मिलते थे, बट अभी एथनिक वेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन भी, मार्केट्स में भी, आप ट्राई करना। मैंने एक ये ब्लाउज़ लिया है अपने लिए रिसेंटली, मैंने अपनी साड़ी के साथ भी पेयर किया था अपनी लास्ट वीडियो में, एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड मायरा, इंस्टाग्राम पेज से है ये। आप अपने लिए कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से। आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, आपको रेडीमेड स्टिच्ड ब्लाउज़ आपको मिलेगा, नो ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा आपके पास। तो मुझे तो बहुत ईजी लगता है इस तरह से ब्लाउजेज़ वगैरह ऑर्डर कर दो बस, एंड आपके पास घर बैठे ही आपको मिल जाता है। इस कोविड सिचुएशन में मैं तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ टेलर्स वगैरह के पास, तो मैंने कुछ ब्लाउजेज़ मायरा से लिए हैं, एंड उनमें से एक ये ब्लाउज़ है जो मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस तरह के ब्लाउजेज़ ना आप सिर्फ साड़ी के साथ ही नहीं, आप अपनी हाई वेस्टेड जीन्स के साथ, हाई वेस्टेड प्लाजोस के साथ, हाई वेस्टेड स्कर्ट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह की स्लीव्स ब्लाउजेज में भी, आप कुर्तीज़ में भी इवन ट्राई कर सकते हैं पफ स्लीव्स वाली कुर्तीज़, या फिर कुर्ती ड्रेसेस आप अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं, रेडीमेड खरीद सकते हैं। तो यस, दीज टाइप ऑफ स्लीव्स आर क्वाइट ट्रेंडी, तो आप इसमें अपने लिए कुछ ले सकते हैं, क्रॉप टॉप या फिर कोई ब्लाउज ले सकते हैं जिसको आप एथनिक इंडो वेस्टर्न लुक में पहन सकते हैं। आप उसको स्कर्ट के साथ, साड़ी के साथ, वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं, एथनिक वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है मोनोक्रोम आउटफिट्स, मोनोक्रोम लुक, मोनोक्रोमैटिक लुक। इस तरह के जो लुक्स होते हैं जिसमें आप सेम कलर के कपड़े पहनते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, वो होते हैं मोनोक्रोम लुक्स। इस तरह के लुक्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशंस, आप मोनोक्रोम आउटफिट्स ट्राई कीजिए, यानी कि सेम कुर्ती के साथ आप सेम बॉटम वेयर सेम कलर में पहनिए, ऊपर से लेके नीचे तक एक कलर का आउटफिट रखिए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। अगर आप देखेंगे मार्केट में ऑनलाइन, तो आपको इस तरह के जो सेट्स मिलते हैं ना, वो सेम कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम कलर में ब्लाउज़ एंड लहंगा, सेम कलर में ब्लाउज़ एंड साड़ी, सेम कलर में कुर्ती एंड शरारा पैंट्स, या फिर उसके साथ प्लाजो पैंट्स। तो जो भी आउटफिट आप अपने लिए डिसाइड करते हैं, मेक श्योर कि उसका टॉप वेयर एंड बॉटम वेयर सेम कलर में रखें। अगर आपको ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस तरह से आप पहन सकते हैं। कुर्तीज़ शरारा पैंट्स में आप ले सकते हैं अपने लिए, शॉर्ट कुर्तीज़ एंड शरारा पैंट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सेम कलर में, सेम कलर की कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, या फिर फ्रॉक स्टाइल कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, उसके साथ आप शरारा पैंट्स जो थोड़ा सा यू नो घेर वाला होता है, इस तरह के आप सेट्स अपने लिए ले सकते हैं। इवन क्रॉप टॉप्स एंड स्कर्ट्स में आप अपने लिए इस तरह के आउटफिट ले सकते हैं। लहंगे में भी आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है साड़ी के साथ, सेम कलर की साड़ी के साथ जब मैं सेम कलर का ब्लाउज़ पहनती हूँ, तो मुझे ये लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आते हैं मेरे इस तरह के लुक्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हैं मोनोक्रोम लुक्स, तो स्पेशली साड़ीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा स्टाइल किए हुए हैं। सो यस, यू कैन फॉलो दिस ट्रेंड बिकॉज काफ़ी अच्छा लगता है। हमेशा ही ये मोनोक्रोम लुक जो है ना, वो काफ़ी सटल लुक देता है, काफ़ी पॉलिश लुक देता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट विच इज़ क्वाइट ट्रेंडी दीज डेज़ इज़ घेर वाले आउटफिट, जिसमें बहुत ज़्यादा घेर होता है। घेर मतलब खूब सारा फैब्रिक यूज़ किया होता है, बहुत सारा फ्लेयर होता है, जिसमें लहंगा आप ले सकते हैं अपने लिए, क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट्स, स्कर्ट्स इस तरह की स्कर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, जिसमें बहुत ज़्यादा घेर होता है। ए लाइन से ज़्यादा खूब घेर वाली जो स्कर्ट्स होती हैं, वो ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, एंड इसीलिए शरारा पैंट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। शरारा पैंट्स विद कुर्तीज़, खूब घेर वाले शरारा पैंट जो ऊपर से फिटेड के होते हैं, नीचे से थोड़ा सा उसमें घेर होता है, तो इस तरह के शरारा पैंट्स बहुत प्यारे लगते हैं कुर्तीज़ के साथ, एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। तो आप अपने लिए शरारा पैंट्स सेट ले सकते हैं, कुर्ती के साथ उसको पेयर कर सकते हैं, या फिर आप शरारा पैंट्स किसी दुपट्टे के साथ स्टाइल कर सकते हैं, क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं, प्लाजो साड़ी वाला लुक दे सकते हैं अपने घेर वाले प्लाजो या फिर घेर वाले शरारा पैंट्स के साथ,
या फिर आप शरारा पैंट्स विद लॉन्ग कुर्तीज भी पहन सकते हैं, फ्रॉक स्टाइल कुर्तीज भी पहन सकते हैं। तो खूब घेर वाले जो बॉटम वेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली फ्लोई फैब्रिक में, जॉर्जेट, शिफॉन्स, इस तरह के फैब्रिक में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ पीसेज आप मेरे ले सकते हैं वेडिंग फंक्शंस के लिए, स्पेशली हल्दी मेहंदी फंक्शंस के लिए। अगर आप कोई कुर्ती सूट वगैरह पहनना चाहते हैं तो आप शरारा पैंट्स विद शॉर्ट कुर्ती पहनिए, बहुत प्यारा लगेगा। इवन इन कुर्तीज़ भी आपको खूब फ्लेयर वाली कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी मार्केट में, खूब फ्लेयर वाली कुर्ती ड्रेसेस, खूब फ्लेयर वाली अनारकली कुर्तीज़ बहुत प्यारी लगती हैं। तो ऐसे पीसेज आप अपने ले सकते हैं। एंड यस, जैसे मैंने आपको कहा, अपने पुराने आउटफिट्स को यू नो यूज़ करने की कोशिश कीजिए और ऐसा कुछ नया ट्रेंडी लीजिए जो आपका पुराना आउटफिट भी यूज़ हो जाए एंड आप अपना कुछ नया एक क्रिएट कर लें। जैसे कि शॉर्ट कुर्तीज़ शरारा पैंट्स के साथ काफ़ी स्मार्ट लगती हैं, तो आपके पास आई एम श्योर कोई ना कोई शॉर्ट कुर्ती तो ज़रूर होगी, क्योंकि मेरे पास भी है, पहले शॉर्ट कुर्तीज़ का ही ट्रेंड था। तो शॉर्ट कुर्तीज़ आप अपने लिए पुरानी कोई ले सकते हैं, उससे मैचिंग का कोई शरारा पैंट्स अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं, या फिर नया कोई रेडीमेड ले सकते हैं। मैचिंग का शरारा पैंट्स ले लो, दुपट्टा ले लो, एंड आपका एक आउटफिट रेडी हो जाएगा जो ट्रेंडी भी दिखेगा एंड आपके बजट में भी रहेगा, आपके पुराने पीसेस भी इस तरह से यूज़ हो पाएंगे। सो गाइज, ये थे कुछ फैशन ट्रेंड्स एथनिक वेयर की। अगर मैं बात करूँ स्पेशली, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एथनिक ड्रेसेस आप अपने लिए ले रहे हैं या फिर स्टिच करवाने वाले हैं कमिंग वेडिंग फंक्शन के लिए, या फिर किसी भी तैयारी के लिए आप कुछ रेडी करवाने वाले हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। तो यस, लाइक आई सेड, हमेशा ट्रेंड्स को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एक पूरा नया आउटफिट खरीदने की ज़रूरत नहीं है ट्रेंड के हिसाब से। कुछ पुराना लीजिए, कुछ नया लीजिए एंड एक नया कुछ क्रिएट कर लीजिए। सो ऑन दिस नोट वीडियो को एंड करते हैं। लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन कैसी लगी ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही, अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है myolivetrunk। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।